हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं NTPC ग्रुप डी स्टेशन मास्टर और जूनियर इंजीनियर। अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, आपको कितना सही हुआ आप वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा। आपको हर प्रश्न में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपको उसी 5 सेकंड में आंसर को सिलेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार कौन जीता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और आपको इतना प्रश्न में कितना सही जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है। आपको बताना है, फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार कौन जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघना गुलजार जीते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन ब्यूटेल का रासायनिक सूत्र है? आपको बताना है, ग्रीन ब्यूटेल का रासायनिक सूत्र क्या है? अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है, Fe(SO4) है ग्रीन ब्यूटेल का रासायनिक सूत्र। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट में है, मार्च 2019 में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपको बताना है, बास्केटबॉल का फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है 2019 में? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के गोविंद राज को चुना गया है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, शीत स्वाप के दौरान मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करता है? आपको बताना है कि मेढक किसके द्वारा श्वसन करता है शीत स्वाप के दौरान? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल त्वचा द्वारा श्वसन करता है। आपको बताना है नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? आपको बताना है, संवैधानिक निकाय कौन नहीं है इस 4 ऑप्शन में? जो निकाय नहीं है उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, कौन सा अंग भोजन का मुख्य पाचन और अवशोषक है? अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है, छोटी आंत जो है भोजन का मुख्य पाचन और अवशोषक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, वन और सागर किस ग्रीन हाउस गैस के लिए सिंक का काम करता है? आपको बताना है, वन और सागर किस ग्रीन हाउस गैस के लिए सिंक का काम करता है? पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और चौथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बताना है नेक्स्ट प्रश्न में, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? एक कमेंट को सिलेक्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ईटोरी सिली ने किया था बैरोमीटर का आविष्कार। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, ग्रेमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला है संगीत के क्षेत्र में, दूसरा है पत्रकारिता के क्षेत्र में, तीसरा पर्यावरण के क्षेत्र में और चौथा चिकित्सा के क्षेत्र में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही जवाब हो जाएगा, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रेमी पुरस्कार।
नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, नेक्स्ट में निम्नलिखित स्तरीय वस्तुओं की मांग कम हो जाती है जब खाली स्थान हो जाता है। पहला ऑप्शन कीमत बढ़ती है, दूसरा कीमत कम होती है, तीसरा आय बढ़ती है और चौथा आय कम होती है। आपको बताना है निम्नलिखित स्तरीय वस्तु की मांग कम हो जाती है जब क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, आय बढ़ती है तो मांग कम हो जाता है। आपको नेक्स्ट प्रश्न में बताना है डायोप्टर खाली स्थान का एस आई इकाई है, बताइए डायोप्टर का एस आई इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है फोकस लंबाई, दूसरा है एक लेंस की शक्ति, दूसरा है आवर्तक सूचांक और चौथा है वक्रता केंद्र। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है, लेंस की है डायोप्टर, लेंस की शक्ति का मात्रा क्या होता है डायोप्टर। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको बताना है नेक्स्ट में कौन सी पंचवर्षीय योजना भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। पहला है 8वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरा है 9वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा है 7वीं पंचवर्षीय योजना और चौथा है 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है 9वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन परमाणु बम, दूसरा है हाइड्रोजन बम, तीसरा है परमाणु और हाइड्रोजन बम दोनों और चौथा है कोई विकल्प सही नहीं है। आपको क्या बताना है परमाणु संलयन के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है। उम्मीद करता हूं आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु बम जो है परमाणु संलयन के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324, 329 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला है न्यायाधिकरण, दूसरा है चुनाव, तीसरा जाति व्यवस्था और चौथा है पंचायती प्रणाली। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब होगा, चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 324 और 329। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है पति के बीच में मौजूद मोटे सिरे को क्या कहा जाता है, बताइए पति के बीच में कौन सा मौजूद होता है जो मोटे सिरे का क्या कहा जाता है। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो बिल्कुल सही जवाब है, मध्य सिरा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से किस धमनी या सिरा में अवरोध आ जाने के कारण दिल का दौरा पड़ता है। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है, कोरोनरी धमनी में अवरोधक आ जाने पर दिल का दौरा पड़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा शासक राजवंश की राजधानी सही ढंग से मेल नहीं खाता। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालुक्य तंजौर, ये बिल्कुल मेल नहीं खाता क्योंकि चालुक्य का राजधानी था बदामी और प्रतिहार का कन्नौज था, पल्लव का कांची था और सेन का लखनौती था और चालुक्य तंजौर नहीं था बल्कि बदामी था, तो इसका गलत है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आवधिक सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद होता है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा है 9। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है, 7 तत्व मौजूद होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है टेहरी बांध किस नदी पर बना है। पहला है अलकनंदा, दूसरा है भागीरथी, तीसरा है गंगा और चौथा है हुगली। आपको बताना टेहरी बांध किस नदी पर है। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है, भागीरथी पर है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है रग्बी फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा है 12 और चौथा है 11। बताना है आपको रग्बी फुटबॉल में कितना टीम में खिलाड़ी होता है, कितना खिलाड़ी होता है।
अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो बिल्कुल सही जवाब है, 15 खिलाड़ी होता है रग्बी फुटबॉल में। नेक्स्ट प्रश्न रीजनिंग है, आपको बताना है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बिजोड़ शब्द को चुनना है, मतलब बीमेल को चुनना है। पहला है टाइफाइड, दूसरा मधुमेह, तीसरा गलसुआ और चौथा अग्निवर्धक, तो आपको सबसे अलग चुनना है। उम्मीद करता हूँ आपने अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मधुमेह, किंतु टाइफाइड, गलसुआ और अग्निवर्धक तीनों को ठीक किया जा सकता है, जिसको मधुमेह रोग होता है उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है एंथ्रोसाइट कोयले में खाली स्थान का कार्बन होता है कितना परसेंट कार्बन होता है, एंथ्रोसाइट कोयला में आपको बताना है। पहला 91%, दूसरा 66%, तीसरा 58% और चौथा 77%। आपको बताना एंथ्रोसाइट कोयले में कितना परसेंट कार्बन होता है, अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो बिल्कुल सही जवाब है 91%। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अग्निशामक है, पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है मीथेन। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी तो बिल्कुल सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का अच्छा शामक है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांश घास के मैदान को क्या कहा जाता है, अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है, कुछ घास का मैदान है, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं, आप लोग याद रखिएगा, आप लोग देख लीजिए कौन सा घास के मैदान को क्या क्या कहा जाता है, पेरियार है, पंपास है, बेल्ड है, एस्टेपी है, आप लोग देख लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको बताना है सौर प्रणाली में किस ग्रह का सर्वाधिक पलायन वेग होता है, बहुत प्यारा प्रश्न है, सौर प्रणाली में किस ग्रह का सर्वाधिक पलायन वेग होता है, पहला है पृथ्वी, दूसरा है मंगल, तीसरा बृहस्पति और चौथा है शनि। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है, बृहस्पति का पलायन वेग सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको बताना है गैलिना निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, पहला है सोना, दूसरा है चांदी, चौथा है पारा जिसको लीड कहा जाता है और चौथा है एंटीमनी। गैलिना निम्नलिखित में से किसका धातु है, अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है, पारा का है गैलिना अयस्क। नेक्स्ट प्रश्न में आपको बताना है ओजोन छेद खाली स्थान गैस जैसे रासायनिक के कारण होता है, आपको बताना है ओजोन छेद जो होती है कौन किसके कारण से होती है, आपका पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट यहाँ की सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकिलिंग सुविधा कहाँ खोली गई, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दुबई में खोला गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बगल वाला घंटा को भी प्रेस कर दें जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।